नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हिमाचल प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं। सिरमौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में 15 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम मुख्यालय नाहन में आयोजित होगा। योग दिवस कार्यक्रम आयोजन के मद्देनजर नाहन में आज एक बैठक जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नाहन में मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया है कि जिले में 15 स्थानों पर योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका जिम्मा आयुष विभाग को दिया गया है। उन्होंने कहा कि नाहन में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को योग करने के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से करीब 10,000 लोग जुड़ेंगे, साथ ही चौगान मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जून 21 को जिला सिरमौर में 15 स्थानों पर योग प्रदर्शन का योग करने का योग आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत हमारा लगभग 10,000 लोग जो है सारे जिला में योग करेंगे इन 15 स्थानों पर। इसके अतिरिक्त इसका जो है ये भी निर्णय लिया गया है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शन है जो यहाँ पर हमारा नाहन चौगान में किया जा रहा है, उसको हम लाइव भी करें और उसको लिंक के माध्यम से जो अन्य लोग हैं जो चुगान में नहीं आ सकते, इन स्थानों पे नहीं जा सकते, वो अपने घर से भी इस योग को कर सकते हैं और इस योग दिवस को मना सकते हैं। तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि जितने भी हमारे संस्थाएं हैं जो कि योग कराती हैं, जैसे हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का है, योग समितियाँ बनी हुई हैं और अन्य भी कई ऐसे संस्थाएं हैं जो कि योग को वैसे भी करती हैं, सारा साल जो है कोई ना कोई कैंप ऑर्गेनाइज़ करती रहती है, वो सारी संस्थाएं जो है इस योग दिवस के उपलक्ष्य में जो है एकत्रित होंगी और इकट्ठा होकर जो है इस योग दिवस को मनाया जाएगा। ये भी प्रयास किया जा रहा है कि इसमें जो महिलाएँ हमारी हैं उनको ज़्यादा संख्या में जोड़ा जाए, ताकि जहाँ वो अपने परिवार के लिए समय देती है अपने आप भी थोड़ा सा समय निकालें और अपने आप को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ होगी तो आपका परिवार, आपका समाज, सारे लोग जो स्वस्थ होंगे। एक कहावत भी है और एक माना गया इफेक्ट भी है कि महिलाएं जो सारे समाज को सुधारने की क्षमता रखती है, परिवार को सुधारने की क्षमता रखती है, उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ा जा रहा है, ताकि वो घरों से निकलें और इस जो योग दिवस है इसमें सम्मिलित होकर जो है योग सीखें भी और जाने के बाद जो अपने परिवार को भी और समाज को भी योग करवाएं। इसके अलावा ये भी डिसाइड किया गया है कि आने वाले समय में भी जो योग है उसको करवाने के लिए जो आयुष विभाग है इन जगहों पे जो है वो लगातार प्रयास करता रहेगा कि वहाँ पे डेली क्लास हो, ताकि जो बाकी लोग हैं वो उसको वहाँ सीख भी सकते हैं और फिर इस योग को जो है वो अपने जीवन में अपना भी सकते हैं। हाँ, इसका टाइमिंग गर्मी को देखते हुए जो है वो सुबह 6 बजे से 7:30 का रखा गया है, ताकि जल्दी जो लोग आकर इस योग प्रदर्शन में और योग सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। जिला उपायुक्त सिरमौर, उन्होंने कहा कि सभी लोगों से योग को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की जा रही है और योग कितना महत्वपूर्ण है, इसका महत्व और कोरोना काल में भी देखने को मिला है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।